नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मऊगंज जिले की पुलिस ने एक बार फिर गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक सहित गांजा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि चार लोगों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ट्रक की ली गई तलाशी के दौरान तकरीबन 40 लाख रुपए कीमती गांजे की खेप को पकड़ा है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के जौनपुर ले जाई जा रही थी। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक मऊगंज रचना ठाकुर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गांजे की खेप ले जाई जा रही है, जिसके बाद एसपी ने जिले के थाना प्रभारी को घेराबंदी कर उक्त ट्रक को पकड़ने के निर्देश दिए। बताया गया है कि ट्रक को हनमना थाना प्रभारी राजेश पटेल और उप निरीक्षक प्रज्ञा पटेल सहित स्टाफ के लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसकी ली गई तलाशी के दौरान प्लास्टिक के पैकेट में तकरीबन 3 क्विंटल 81 किलो गांजे की खेप जब्त की गई है। बताया गया है कि पुलिस ने इरशाद निवासी औरंगाबाद बिहार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ट्रक चालक ने पुलिस को बताया कि गांजे की यह खेप वह रायपुर छत्तीसगढ़ से जौनपुर उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। पुलिस ने गांजा सहित ट्रक को जब्त करते हुए वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में जौनपुर निवासी रोहित सिंह टाटीबंध रायपुर छत्तीसगढ़, अजीत सिंह और संतोष सिंह के ऊपर एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि पुलिस ने ट्रक चालक सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गांजा और ट्रक सहित तकरीबन 55 लाख रुपए का मसरूका जब्त करते हुए चार आरोपियों को नामजद किया है।